बिना किसी इंट्रो के अंदर टाइम वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप भी जीरो से हीरो स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, अपने लोगों में से 90% ऑफ द स्टूडेंट हैं वो डिस्ट्रैक्टेड होकर के इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो के बाद में स्क्रॉल करते करते दूसरी वीडियोस देख रहे, तीसरी वीडियोस वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहे हैं और उनका माइंडसेट टॉपर वाला नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपका जो माइंड है ना, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, इसीलिए आप एक वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो, उसके बाद में तीसरी वीडियोस, ऐसे करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपका जो माइंड सेट है आप उसे सेट करो। आपको अगर ये लग रहा है ना कि टफ है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हो। आप एक बार याद करो कि जब आप छोटे थे आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आप बार बार गिरते भी थे, आपके लगती भी थी, लेकिन क्या आपने उसको कभी छोड़ा? नहीं छोड़ा। आपने उसको फिर से स्टार्ट किया और अब आपको बोले कि साइकिल चलानी, आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा आसान। तो इसी तरीके से आपका माइंड सेट आप सेट करो कि भैया पढ़ना बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैं आसानी से कर सकता हूँ। जब तक आपका वो जो टॉपर वाला माइंड सेट नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं करोगे कि भाई मुझे अच्छा स्कोर करना है, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखोगे, जब तक आप नहीं कर सकते। टॉपर हमेशा ये बोलते हैं कि यस आई विल डू इट। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को टॉपर मानना है और अभी के अभी कमेंट करना है कि यस आई विल डू इट, क्योंकि आप भी कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारे जो सेकेंड स्टेप है ना, मैं आपको इसको एक स्टोरी से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमारे पास में एक रोहन है और एक मोहन है, ये दोनों रेगिस्तान के अंदर फंस जाते हैं। अब इनको खड्डा खोद के पानी निकालना होता है ताकि जिंदा रह पाए। अभी यहाँ पर ये जो रोहन है ना, ये खड्डा खोदना स्टार्ट करता है, 1 घंटे तक अच्छे से खड्डा खोदता है लेकिन इसे पानी नहीं मिलता। फिर ये जाता है दूसरी जगह के ऊपर, वहाँ पर 1 घंटे खड्डा खोदता है, नहीं मिलता। फिर ऐसे करते करते इसने 7-8 जगह के ऊपर खड्डा खोद लिया लेकिन इसे पानी नहीं मिला, उस वजह से इसकी डेथ हो गई। और वहीं पर ये जो हमारा दूसरा दोस्त था मोहन, ये क्या करता है कि एक ही जगह के ऊपर 8 घंटे तक कंटिन्यू खड्डा खोदता है और इसे वहाँ पर पानी मिल जाता है और ये उसको पी करके जिंदा रह जाता है। अब भी इस स्टोरी से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हो कि एक जो चैप्टर है उसको आधा किसी और से पढ़ते हो, फिर किसी और से पढ़ते हो, ऐसे करते करते ना बहुत सारे अलग अलग जगह के ऊपर आप लोग टाइम अपना वेस्ट कर देते हो, फिर भी आपको वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स से पढ़ना है और एक ही टीचर से पढ़ना है। अगर आप अलग अलग जगह के ऊपर अपना करोगे तो आपका वो चैप्टर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं वन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। और इसके बाद में जो थर्ड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग भी इसे यूज में लेते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, ये सब इसे यूज में लेते थे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है गोल्डन आवर स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका 1 से 2 घंटे का ऐसा टाइम रहेगा जिसके अंदर कि आपको डिस्ट्रेक्शन फ्री होकर के स्टडी करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी रूम के अंदर बैठे होंगे और आप 2 घंटे के लिए पढ़ोगे और उसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्ट इसमें नहीं होना है, क्योंकि आप है ना, जब तक किसी काम को फोकस से करोगे ना तो आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। आप अगर फोकस से 2 घंटे भी स्टडी करते हो ना तो आप उसके अंदर 7 से 8 घंटे की स्टडी कर लेते हो, इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आपको अपने दिन के अंदर, चाहे वो दिन में निकालो रात में निकालो, आपको 2 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसके अंदर कि आप डिस्ट्रैक्ट फ्री होकर के स्टडी करो। अपने रूम को अंदर से लॉक कर दो, पानी लेकर के बैठो, सब कुछ एक साथ लेकर के बैठो। अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो तो ऐसा बैठना है कि आपको है ना बिल्कुल भी उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देन फिर इसके बाद में नंबर 4th है, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को है ना मैसेज नहीं आया उसका, मेरा दोस्त, हम फोन चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ओवर थिंकिंग की वहां पर आपके पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि रिजल्ट के बाद में मैं ये करूंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आप है ना अपने साथ में एक रफ नोटबुक लेकर के बैठना, खास करके जब आप SST पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो जब भी आप इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको इसके अंदर एक पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठना। अब जब भी आप स्टडी करो ना तो आप उसके अंदर कुछ भी लिखते रहो, उससे रिलेटेड आपको लिखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो। जैसे कि साइंस के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप जो भी फॉर्मूलाज आ रहे, कुछ भी छोटी छोटी बातें आप उसके अंदर लिखते रहो, जिससे कि आपका माइंड ना लिखने में इन्वॉल्व रहे।
रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे ना, जैसे कि थ्योरी अगर पढ़ रहे हो तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, उसमें आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको इससे दूर रहना है, आपको अपने माइंड को, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आपको फोकस होकर के स्टडी करनी है, तो ये वाली जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आप। अब उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल स्टेप, देखो आप है ना दिन में कितना भी स्टडी करो, आपको अपना जो रिविजन है उसे सबसे ज़्यादा अच्छा रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि भैया हमें आता तो सब कुछ था, लेकिन हम एग्जाम के अंदर जाकर के भूल गए, एग्जाम के अंदर हम लिख नहीं पाए, क्योंकि एवरेज और टॉपर के अंदर बस यही डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस कैसे कम होगा, ये कम होगा आपका रिविजन से। और ये रिविजन के लिए एक ऐसी जैपनीज टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि वो अपना कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर पाते हैं और उसी के साथ में उसे याद भी रख पाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या है कि जैसे कि आप है ना कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है, जैसे कि मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, साइंस के अंदर आपको डायग्राम याद करने हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार भूल जाते हो, आप उनको क्या करना है, जैसे आप स्टडी करने बैठो उससे 10-15 मिनट पहले आपको ना वो सब चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेनी, खास करके मैथ के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, हम एग्जाम के अंदर जाकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ए प्लस बी था या ए माइनस बी था, तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे कम होंगी, जब हम इनका बार बार रिविजन करेंगे, और अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप ना जितनी बार सुबह उठ के एक बार आप उसका रिविजन करोगे ना, तो आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं एग्जाम के अंदर, बस यही डिफरेंस है। और उसी के साथ में जो भी आप दिन के अंदर स्टडी कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आज आपने 4 चैप्टर स्टडी की, तो आपको इन रात को सोने से पहले उन 4 चैप्टर का एक बार रिविजन जरूर से कर लेना है, क्योंकि हमारे जो माइंड है ना, ये उस चीज को अगर आप उसी दिन वापस से पढ़ लेते हो तो आप है ना उसका 80% ऑफ द आप याद रख पाते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने रिविजन के ऊपर इस टाइम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने रिविजन के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपकी जो मेहनत है ये पूरी पूरी खराब हो जाएगी। और फिर इसके बाद में एक बोनस पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि आप, और उसी के साथ में एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को देता हूँ जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो ये है कि आप लोगों को है ना अपने एक टाइम टेबल जरूर से फॉलो करना है, और उसी के साथ में आपको उसको सेल्फ चेक भी करना है। आपको ये देखना है कि भैया मेरा इतना सिलेबस बाकी है और इतने सिलेबस को मैं इतने टाइम के अंदर किस तरीके से करूंगा, और हर दिन आपको उसको ट्रैक करना है कि हाँ भाई मैं सही ढंग से सिलेबस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको अगले दिन के लिए शिफ्ट करो। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये नहीं है कि आप अगर 3-4 घंटे स्टडी करो एकदम से 10-12 घंटे करोगे तो आपसे वो नहीं होगा, उसको ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। 3 घंटे करो तो उसको 6 घंटे करो, फिर उसके बाद में उसको 9 घंटे करो, अगर एकदम से इंक्रीज कर दोगे तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, और इसी को ही आपको अपना सेल्फ चेक करना है। और इस टाइम के ऊपर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रखे हैं, उनको ये लग रहा है कि भैया अब मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं उनका 3-4 बार रिविजन हो चुका है और मैं अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास में टाइम कम है। ही कर सकते हो, बिलीव मी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मैं आपको बोलता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करने वाले हो, बस अपने आप के ऊपर बिलीव रखो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।